तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार दोपहर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने जहां दिल्ली पुलिस के प्लाज्मा डोनर से मुलाकात की और उससे जुड़े एक ऐप को लॉन्च किया। इसके बाद गृहमंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत बड़े आला अधिकारियों के साथ काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। पुलिस के साथ वार्ता से भी कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के एक प्लाज्मा डोनर से मुलाकात की, इससे जुड़ा एक ऐप भी लॉन्च किया। इसके बाद गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत बड़े आला अधिकारियों के साथ काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री ने 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की और किसानों की 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस का क्या कदम रहेगा, इस पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के काम की तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि पुलिस को समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल घड़ी का सामना करना चाहिए। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही किया, इससे जनता का भरोसा पुलिस प्रशासन पर और मजबूत होगा। फरवरी 2020 में और उस वक्त वैसे ही मैंने तो कहा था, कोई मैं ज्योतिषी नहीं हूं, कि समाज के हर दिक्कत की घड़ी में, हर मुश्किल की घड़ी में पुलिस ने समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। और आज लगभग एक साल होने को आया है, पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोरोना काल में दिल्ली पुलिस ने यह बात को बिल्कुल चरितार्थ कर जनता का विश्वास जीत कर दिखाया। वहीं कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पर अमित शाह ने कहा, साल 2020 पूरी दुनिया के लिए चुनौती लेकर आया। चुनौती ये थी कि कोरोना संकट से कैसे संभले, भारत के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और खूब लड़ी। हमने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया, इसमें दिल्ली पुलिस ने खासतौर पर अच्छा काम किया। 2020 का साल पूरी दुनिया के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आया, भारत के लिए भी लाया और दिल्ली के क्षेत्र के लिए भी लाया, मगर मुझे कहते हुए बहुत संतोष और गर्व दोनों हो रहा है कि चुनौतीपूर्ण वर्ष में दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस बल में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में निरंतर बदलाव होना चाहिए। इसके लिए पुलिस टेक्नोलॉजी सेल का गठन किया गया है, जो पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समय अनुसार वृद्धि के लिए काम करेगी। पुलिस बल में उपयोग होने वाले तकनीक में निरंतर बदलाव होनी चाहिए, जो कि पुलिस के कामकाज के लिए विभिन्न तकनीक के आयात, इस्तेमाल और समयानुसार वृद्धि के लिए काम करेगी। दिल्ली पुलिस इस दिशा में तकनीक के आयात के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ MOU कर एक नए तकनीक की दिशा में काम कर रही है। इस अवसर पर आपका आशीर्वाद और सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर चुके हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही। साथ ही दिल्ली पुलिस ने संबंधित कई मसलों पर अपडेट भी लिया। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से दिव्यांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट।